are going to draw about the periodic table the periods are the horizontal rows the horizontal rows they are called as the periods horizontal means from left to right when we move from the period in the periodic table from left to right these are the periods these are the period means periods are from 1 to 7 1 2 3 4 5 6 7 as we numbered in the periodic table as 1 2 3 4 5 6 7 these are the periods और पीरियड्स में हम मूव कैसे करते हैं वी मूव मूव फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट टू टू राइट राइट हम right ही करेंगे देखो यहाँ पे इधर से लेफ्ट से लेके राइट right तक जब आप चलेंगे सो दीज आर वट दीज आर दीरियड्स दीज आर दीरियड्स क्लियर हो गया आपको यहाँ तक उसके बाद नेक्स्ट आता बेटा वट आर दी ग्रुप्स सो द वर्टिकल कॉलम्स द वर्टिकल कॉलम्स इन द ग्रुप्स द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज द ग्रुप्स तो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं आप उन्हें ग्रुप्स कहते हैं ग्रुप्स में आप कैसे मूव करते हैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन से नीचे चलते हम हमेशा यही वर्ड यूज करेंगे group, से नीचे, जैसे और हर एक में आप कैसे चलेंगे डाउन द ग्रुप देखो ऐसे ऊपर से नीचे तक सो दीज ओल आर द Groups. These are 18 in number. Groups, हमेशा बेटा कितने होंगे आपके 18s. और आपके पीरियड्स कितने होंगे 7 हो गया आपको इतना. उसके बाद पीरियड ऑफ एलिमेंट हम कैसे प्रिडिक्ट करें ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हम कैसे प्रिडिक्ट करें ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट तो उनके बारे में अभी हम आपको समझाएंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द प्रिडिक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट the period of any of the element is always equal to their valence shell number valence shell number means first of all you must have the knowledge how can we write the electronic configuration of an element beta aapne ye padha hai na ki kisi bhi dekho jo element hota hai usko aap x se represent karte hain aur as a subscript jo likhte hain that is the z that is their atomic number और जो आप ऊपर A लिखते हैं that is called their mass number वो उसका मास नंबर होता है जो जेड जिसे आपने एटॉमिक नंबर यहाँ पे कहा और दट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू दंबर ऑफ दोटो इन एनी ऑफ दूट्रल एल एस बन जाएंगी आइंस कैसे बनते हैं गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो मीन्स आपके जो नंबर ऑफ प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन इक्वल सिर्फ न्यूट्रल एटम के अंदर होते हैं आइंस के अंदर आफ्टर लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन आपके नंबर ऑफ प्रोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होंगे क्लियर हो गया यहां तक अब ऊपर जो आप लिखते हैं कॉल्ड द मास इक्वल होता है अब सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन लिखनी आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन लिखने के लिए हमने आपको पहले से ही समझा रखे देर डिफरेंट रूल्स जैसे फर्स्ट रूल दैट इज दहू प्रिंसिपल आफ्टर दैट देर इज द

फिर आपको ये बात ध्यान रखनी है जो भी हमने बताई और उसी के बेसिस के ऊपर हम किसी भी एलिमेंट के पीरियड को डिटेक्ट कर सकते हैं मीन्स द पीरियड नंबर ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू देयर वैलेंस शेल नंबर वो वैलेंस शेल नंबर के इक्वल होता है फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम आपको ये कह दें हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर देखो इसका वन है कॉन्वेशन लिखे तो आप हमेशा ऐसे लिखेंगे इसकी कॉन्वेशन वन एस वन अब एक चीज और आपको यहाँ पे बता दें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी जो एटम होता है उसके बीच में बेटा क्या होता है देर इज द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाहर बेटा क्या होती हैं देर आर देर सर्कुलर पाथ अकॉर्डिंग टू द बोहर स्कीम एंड दीज कॉल्ड एज द शेल्स आप ध्यान रखें कोई एटम होगा देखो देर इज एन एटम

फर्स्ट शेल को आप के शेल कहते हैं सेकंड शेल को आप एल शेल कहते हैं थर्ड शेल को आप एम शेल कहते हैं फोर्थ शेल को आप एन शेल कहते हैं तो दैट इज योर के दैट इज योर एल दैट इज योर एम एन द एन शेल तो आपकी डिफरेंट आपकी शेल्स होती हैं तो so आपने क्या देखा एटम के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाहर क्या होती हैं शेल्स और शेल के अंदर बेटर डिफरेंट प्रेजेंट होती हैं सब शेल्स शेल के अंदर क्या होती हैं सब शेल जैसे फर्स्ट शेल है फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल होंगी जो उसका नंबर है फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होगी उसे आप एस कहेंगे सेकंड शेल के अंदर टू सब शेल होंगी एक एस और सेकंड आपकी पी होगी वन इज कॉल्ड एज एज द द एस अदर वन इज कॉल्ड पी थर्ड शेल में थ्री होंगी एस पी एंड द डी जिसे आप कहेंगे एक एस होगा एक पी होगा एक डी होगा ऐसे फोर शेल में बेटा फोर होंगी एक एस एक पी और एक डी और एक बेटा एफ भी होगा एक क्या होगा बेटा एफ होगा क्लियर हो गया तो ऐसे इन चीजों को आपको ध्यान रखना है तो तो आपने अभी तक क्या देखा एटम एटम के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस बाहर सर्कुलर पाथ शेल शेल को एन वन टू थ्री फोर रिप्रेजेंट करते हैं शेल के अंदर सब शेल होती हैं सब शेल बेटा कौन सी होती हैं या तो एस या पी या डी या एफ दी सब शेल और कितनी होती हैं जो शेल पहली शेल में एक सब शेल सेकंड में टू सब शेल थर्ड में थ्री फोर में फोर सब शेल होती है अब जो सब शेल होती है इन सबशेल के अंदर फर्दर होते हैं आपके ऑर्बिटल्स इनके अंदर बेटा क्या होते हैं फर्दर आपके ऑर्बिटल्स जैसे वो ऑर्बिटल्स हमें ओड नंबर में आप याद करते हैं मींस वन थ्री फाइव सेवेन देखो इस टाइप से मतलब जो एस सबशेल होती है उसके अंदर वन ऑर्बिटल होगा पी सबशेल के अंदर बेटा आपके

तो इसमें में आपकी एक ऑर्बिटल होगा पी में देखो थ्री डी में फाइव होंगे देखो ऐसे वन टू थ्री फोर ये फाइव हमने बना दिए एफ में बेटा सेवन होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे सेवन ऑर्बिटल्स आपके हो जाएंगे क्लियर हो गया यहाँ तक अब इनके अंदर जो आपके डिफरेंट शेल सब शेल है फिर सबसे पहले आपका एक प्रिंसिपल प्रिंसिपल आया था था जिसको हमने कहा कहा जिसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड अप इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में भरो जिसकी एनर्जी सबसे कम हमने आपको पीछे बताया भी था कि न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर देते हैं देखो यहाँ पे इसके अंदर तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस का साथ जैसे ही देखो अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी गेट रिलीज एनर्जी निकल जाएगी अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कहीं पे भर देते देखो हम यहाँ पे भर दे मान लीजिए देखो यहाँ पे तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती कम अट्रैक्शन मिलती तो जिसकी वजह से एनर्जी कम निकलती तो ये इलेक्ट्रॉन कम स्टेबलाइज होता तो इसलिए ध्यान रखें सबसे पहले इनर शेल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है सो so, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा आपने वन के अंदर देखो फर्स्ट एस में, में, में भरा और एक इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया एक इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो से आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप हाफ एरो से तो जो अभी हमने लिखा ना बेटा यहाँ पे वन एस वन देखो ये जो वन लिखा है ये वन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ दी शेल के बारे में दैट इज द नंबर ऑफ दी शेल ये रिप्रेजेंट करता है जो फर्स्ट शेल है उसमें सब शेल है तो ये इंफॉर्मेशन देता है हमें सब शेल के बारे में ठीक हो गया एस शेल और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स तो ये चीज आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि कभी भी ऐसे कॉन्गेशन लिखी आज और आपसे पूछ ले वट इट रिप्रेजेंट वन एस रिप्रेजेंट रेज टू दी वन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है तो आपने क्या देखा पीरियड हमें किस चीज के बारे में बताता है अभी जैसे मैंने बताया वैलेंस शेल का नंबर क्या है तो जो वैलेंस शेल है नंबर ऑफ द शेल देखो हो गया ना यहाँ पे वन तो एन की वैल्यू बेटा यहाँ पे वन है तो एन की वैल्यू वन आ गई सो इट इज द फर्स्ट पीरियड एलिमेंट हाइड्रोजन जो है ये क्या है बेटा एक फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है तो इस से हम उसका पता लगा लेते हैं ऐसे ही मान लीजिए कोई भी और एलिमेंट हम आपको अभी लेके दिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे सर नाइट्रोजन ले, ले लें आप देखो मैंने नाइट्रोजन एटोमिक नंबर सेवन है तो आप इसकी कॉन्गिनेशन देखो कैसे लिखेंगे इसी डायग्राम को देखते हुए वन एस देखो फर, पहले वन में आएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन बेटा किस में भरेंगे देखो हम दोबारा से लिखते हैं यहां पे सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे बेटा पे आ गया के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां पे भरे जिसकी एनर्जी सबसे कम है तो फर्स्ट शेल में ही भरेंगे लेकिन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पोली मींस ऑर्बिटल्स जैसे एस में बेटा एक ही ऑर्बिटल होता है

एक एक ही आपका ऑर्बिटल है इसके अंदर देखो यहाँ पे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं देखो वन एस की पावर में हमने टू ही लिखा सो दैट इज द वे वाई वी अंदर एस ही होता है ऐसे में इलेक्ट्रॉन कितने टू भर दिए देखो हाफ एरो और हाफ एरो नीचे की तरफ दिखाया बताई दोली साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो बेटा हमने देखो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आपको लगा के दिखा दिया लेकिन नाइट्रोजन में आप देखें एटॉमिक नंबर देखो सेवन है यहाँ पे सेवन है तो सेवन इलेक्ट्रॉन फिलअप करने अभी तक तो हमने टू ही इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं उसके बाद क्या करेंगे सेकंडशियल सेकेंड शेल में सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन एस में भरेंगे उसके बाद पी में भरेंगे आप तो पहले 2s देखो मैंने 2s लिख दिया 2s में भी देखो टू इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन देखो हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे 2s रेज टू द पावर में 2 उसके बाद 2p तो 2p लिखेंगे ये 2 लिखा और सेकंड ही शेल है देखो सेकंड शेल में एस भी था में हमने फिल किया फिर p है तो p लिख दिया हमने अब p में इलेक्ट्रॉन देखो थ्री ऑर्बिटल है p में तो कैसे करें अब आप हंड्स रूल अप्लाई करेंगे मेन जो p के थ्री ऑर्बिटल्स हैं ऑल द थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ द p है, द सेम एनर्जी सभी की एनर्जी बेटा बिल्कुल सेम है सेम मींस यानी किसी किसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरें तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स आपके देखो कितने भर चुके हैं आप टू इलेक्ट्रॉन वन एस में टू टू एस के अंदर टू टू फोर इलेक्ट्रॉन तो भर दिए टॉमिक नंबर सेवन है थ्री इलेक्ट्रॉन्स बच गए अब थ्री इलेक्ट्रॉन्स और हमें यहाँ पे फिलअप करने है तो फिल कैसे करें हंड्स रूल को यूज करते हुए के अमंग द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अमंग द सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स क्योंकि पी के जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या है सेम है तो सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स तो अमंग द डीजेनरेट ऑर्बिटल अमंग द डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ द सेम सब इसी पी के ही हैं ये तीनों तो कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ड अप सिंगली देखो पहले एक एक करके एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन भर दिया टू पी थ्री लेकिन भरेंगे हो गई अब आपसे पूछा गया यहाँ पे पीरियड का नंबर तो पीरियड का नंबर कैसे डिटेक्ट करते हैं किसके इक्वल वैलेंस नंबर तो देखो इसमें दो ही शेल यूज हुई दैट इज द फर्स्ट शेल और उसके बाद ये आपकी कौन सी शेल थी बेटा दैट इज द सेकंड शेल क्योंकि जो शुरू में हमने नंबर लिखा में में सेकंड पीरियड एलिमेंट तो नाइट्रोजन कैसा है इट इज ऑल्सो द सेकेंड पीरियड एलिमेंट तो इस टाइप से हम किसी भी एलिमेंट के पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम पीरियड के बारे में कैसे पता लगाते हैं और आपने कॉन्केशन के बारे में भी देखो मैंने आपको रिमोराइज करवा दिया है वैसे ये अलग से जो हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे उसके बाद डिफरेंट रूल्स पढ़े थे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं कि आपके पास देखो एक एटम होता है एटम के बीच में न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाहर शेल शेल के अंदर सब शेल होती है सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं शेल को वन टू थ्री फोर से रिप्रेजेंट करते हैं सब शेल के अंदर जो सब शेल होती है उतनी ही होती है जो शेल का नंबर पहली शेल में एक सब शेल दूसरी शेल में दो सब शेल एस और पी थर्ड शेल में एसपी डी थ्री शेल फोर्थ शेल में फोर्थ सब शेल एस पी डी एफ फिर सब शेल में ओरबिटल्स में याद करते हैं एस में एक ऑर्बिटल डी में फाइव नंबर के बेसिस पे आप इनको याद कर लेते हैं और उसके बाद आपने रूल्स के बेसिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन कॉनिगेशन लिखनी सीखी सबसे पहले आपका आप बहु प्रिंसिपल जिसने ये स्टेट किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फिल्ड अप इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरो जिसकी एनर्जी सबसे कम मींस वो उसमें भरो उस शेल में भरो जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा मोर अट्रैक्शन मोर एनर्जी रिलीज एनर्जी बाहर ज्यादा निकल जाएगी खुद की एनर्जी कम तो इलेक्ट्रॉन हर कोई यूनिवर्स में अपने आप को आपको स्टेबिलाईजता है तो एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहली शेल में भरते हैं फिर सेकंड शेल में भरते हैं सेकंड में भी एस और पी है तो एंड एंडसोन ये सारी की सारी बातें अब बहु प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन की गई उसके बाद एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन हमें भरने थे वो कैसे भरे वो हमने भरे पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते पोली ने क्या कहा कि इन एन ऑर्बिटल देर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन एक ऑर्बिटल में एक बॉक्स में आप दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं

तो आपके पेड इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं पेड इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जब एक ऑर्बिटल्स के अंदर देखो इस स्टेप से टू इलेक्ट्रॉन ऑफ उप स्पिन आप फिलअप करते हैं दीज आर दी पेड इलेक्ट्रॉन दीज आर दी पेड इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद अभी आपने नाइट्रोजन में देखा पी के अंदर थ्री इलेक्ट्रॉन हमने कैसे भरे थे देखो यहाँ पे पी पे क्योंकि पी के जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं तीनों की एनर्जी सेम डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं कि ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सब हैविंग द सेम एनर्जी कोल्ड एज द डी जनरेट ऑर्बिटल्स पी के तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है तो जो डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पहले क्या कैसे भरे वन वन करके वन वन वन

स्टेप बाय स्टेप अब सारी चीजों को बड़े ध्यान से देखते चले जाएंगे आपको बेसिक हमने अलग से समझा दिया था कि अब जितने भी डायग्राम आपके सामने आए वो आप पहले से वैसे तो हमने ये सारी चीजें आपको पहले बता दी थी क्वांटम नंबर्स के दौरान रूल्स अलग से आपको बताए गए थे लेकिन फिर भी क्योंकि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए था इन टॉपिक

हमने ये देखो डायग्राम भी दिख रहा है बीच में देखो ये न्यूक्लियस है सेंट्रल पार्ट दैट इज 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 न्यूक्लियस एंड देयर वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखो हमने एक को किया फर्स्ट शेल के अंदर इसलिए मैंने पहले आपको सारा समझा दिया था कि न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट बाहर शेल शेल में सब शेल सब शेल में ऑर्बिटल ये सारी चीजें हम बता चुके हैं तो फर्स्ट शेल के अंदर बेटा ये कौन है दैट इज द एस तो वन एस एक ही इलेक्ट्रॉन हमने भरा है यहाँ पे क्योंकि एटॉमिक नंबर वन है हाइड्रोजन का देखो वन इलेक्ट्रॉन इज कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस तो आपने ये देखा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसमें फिलअप किया फर्स्ट शेल के अंदर तो शेल का नंबर क्या है वन तो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट पीरियड एलिमेंट फर्स्ट पीरियड एलिमेंट आपका हो गया उसके बाद नेक्स्ट को देखिए बेटा ये आपका कौन है यहाँ पे ऑक्सीजन एटोमिक नंबर एट है इसका अब देखो इसमें देखो उसी टाइप से जो कॉन्गेशन हमने लिखी बेटा कैसे लिखी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्गेशन देखो ऑक्सीजन की आपने कुछ ऐसे लिखा देखो वन एस टू देखो टू इलेक्ट्रॉन आपने फिलअप कर दिए फर्स्ट शेल है और इसमें एस होता है क्लियर हो गया उसके बाद हमने लिखा सेकंड सेकंड शेल शेल में क्या होता है एक एक तो एस होता होता है है बेटा और पी इसलिए थोड़ा एनर्जी का डिफरेंस इसलिए दिखाया क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन एस में भरा जाता है उसके बाद पी में और ये जो कंप्लीट ऐसा क्यों वो हमने बहुत बड़ी रूल के बेसिस के ऊपर आपको पहले ही समझा चुके हैं हम आपको तो उसके बाद टू लिखा और टू में भी देखो दो इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप देखो यहाँ पे कर दिए सो टू टू उसके बाद टू पी के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन आप ध्यान से देखें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फिल्ड सिंगली पी के बाद देखो इलेक्ट्रॉन जो थ्री ऑर्बिटल्स है आपके देखो ये जो थ्री ऑरबिटल इनमें इलेक्ट्रॉन पहले वन वन करके भरे देखो हाफ एरो देखो मैं दोबारा से अगर देखो लिखता हूँ रेड पेन से हाफ देन पेयरिंग विल स्टार्ट जब ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया है आपने ऐसा नहीं किया कैसा नहीं किया कि ये दो इलेक्ट्रॉन के भाई हमने ये पहले ही भर दिए इकट्ठे यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉनिक इकट्ठे नहीं भरे नो no. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दो इलेक्ट्रॉन आर अप सिंगली देखो कैसे वन फिर वन और फिर वन वन टू थ्री एंड देन फोर्थ वन और हाफ एरो से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे सो द बिकम्स तो ये जो ये जो लास्ट शेल है कौन सी थी आपकी दैट इज द सेकंड शेल सो द इट इज पीरियड एलिमेंट तो ऑक्सीजन भी बेटा क्या है इट इज ए सेकंड पीरियड एलिमेंट तो इस टाइप से हम एलिमेंट के पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं उसके बारे में हम बता देते हैं उसके बाद नेक्स्ट देखें बेटा आप अब हम ब्लॉक के बारे में देखेंगे अबाउट द ब्लॉक अब आप बड़े ध्यान से देखें जितने भी कॉन्गेशन अभी आपको ये लिखी हुई दिख रही है आप ये देखें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किस किसमें फिलअप किया पहले हाइड्रोजन के बारे में देखें हाइड्रोजन की बेटा कॉन्गेशन क्या थी उसके साथ में देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं हाइड्रोजन की थी वन एस वन बोलो लास्ट एक ही तो इलेक्ट्रॉन है किसमें डला वो एस में डला है एस के अंदर एस में तो ये ब्लॉक आपके फोर ही होते हैं एस पी डी एंड एफ द पीरियोडिक टेबल तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द द सो इट इज ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोजन इज द एस ब्लॉक एलिमेंट और वैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन कोई एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में हमने डिटेल आपको बताया था हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर आप डिटेल पढ़ते हैं आगे पढ़ाएं भी गए आपको कि हाइड्रोजन हैज नो फिक्स्ड पोजीशन पीछे हमने बताया था ना कि हाइड्रोजन कैन स्टेबलाइज इन टू वेज वे ध्यान है आपको पीछे हमने बताया था कि हाइड्रोजन जो है देखो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे स्टेबल ग्रुप है हमने ये तो आपको बताया था दैट इज द ग्रुप नंबर 18 जिसमें हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है नियोन एटॉमिक नंबर 10 है आपको बताया था तो जो हाइड्रोजन है ये दो तरह के काम करता है इससे पहले वाला देखो जो ग्रुप नंबर 17 है ना बेटा देखो जैसे फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 क्लोरीन एटॉमिक नंबर देखो ऐसे 17 तो आपके जो ग्रुप नंबर वन है देखो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर वन जैसे आपके कौन आ गया सोडियमिकलेवन ऐसे है, तो है ना इट शोज द प्रॉपर्टी बोथ लाइक दैट ऑफ द ग्रुप एंड द ग्रुप नंबर सेवनटीन क्योंकि हर कोई ग्रुप एटीन जैसा होना चाहता है हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कॉन्गेशन बेटा क्या हो जाएगी वन एस टू वन एस टू, वन एस टू का मतलब हीलियम जैसी कॉन्गेशन होगी ना ग्रुप एटीन जैसा हो गया स्टेबल ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कौन करना चाहता है ग्रुप के एलिमेंट देखो नंबर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 10 जैसा होना चाहता है तो ये ग्रुप सेवनटीन जैसी प्रॉपर्टीज ने शो कर दी जो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ये किस जैसी प्रॉपर्टी थी बेटा ग्रुप सेवनटीन जैसी सिमिलरली हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक इलेक्ट्रॉन देखो लॉस कर दे और ये वन एस जीरो हो जाए लॉस करने के बाद स्टेबल हो गया तो लॉस करने की पावर किसकी है ग्रुप वन एलिमेंट की जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो क्या हो जाएगा

में रखा गया, ही गुर्ण गुर्ण में रखा गया. लेकिन फिर भी यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए हाइड्रोजन की जो कॉन्ग्रेशन है उसके बेसिस ब्लॉक का है तो हम एस ब्लॉक ही इसको कह देते हैं क्योंकि

तो दो ब्लॉक है किसी भी एलिमेंट का हम कैसे पता लगाते हैं ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट इज द टाइप ऑफ दी सब 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 शेल 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 टाइप ऑफ दी इन द लास्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंटर्स कौन सी में जाके एंटर किया है जैसे हाइड्रोजन के केस में अभी आपने देखा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर आपके एंटर किया दैट एंटर्स द बोलो किसके अंदर देखो कॉन्गेशन में फिर लिख दू हाइड्रोजन की यहाँ पे वन एस वन देखो S में एंटर कर गया सो इट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट क्लियर हो गया इतना सिमिलरली आप ऑक्सीजन के बारे में देखें जो कॉन्गेशन हमने यहाँ पे लिखी थी अब ध्यान से देखना बोलो कॉन्गेशन क्या है टू पी फोर देखो ये टू पी फोर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में डला है सो इट इज द दी ब्लॉक एलिमेंट सो इट इज द दी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब्शियल में डला सब्शियल मींस एस पी डी एफ दीज आर दी सब्शियल जैसे आपको पीछे बताया था ना देखो एक एटम होता है एटम के बीच में क्या होता है न्यूक्लियस के बाहर बोलो क्या होती है शेल शेल में बेटा क्या होती है सब शेल होती हैं सब शेल कौन सी होती हैं एस पी डी एफ दी आर दी सब शेल और सब शेल के अंदर क्या होते हैं आपके ऑर्बिटल्स बताया था ना कि s के अंदर वन ऑर्बिटल होता है पी के अंदर थ्री ऑर्बिटल्स डी में फाइव ऑर्बिटल्स और एफ के अंदर सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑर्बिटल्स में कौन रहते हैं दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसा आपको बताया गया था अभी पीछे समझा भी दिया गया था अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ से तो ऑक्सीजन बेटा क्या हो गया दैट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट इट इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट क्लियर हो गया यहाँ तक उसके बाद नेक्स्ट देखिए मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनिज हुए एलिमेंट

क्लियर हो गया यहां तक अब हमें यह देखना है कि कौन सा ग्रुप है हमें क्या पता चले कोई भी नंबर दे और हमें ये पता चलाना हो कि वो कौन से ग्रुप का है सबसे पहले आप ब्लॉक का पता लगाएंगे कि उसका ब्लॉक क्या है ब्लॉक मीनस जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था ना कि जैसे ऑक्सीजन है हमने क्या किया कि हम पहले सिंपल छोटे एलिमेंट को ही लेते हैं और भी इससे सिंपल मान लीजिए हमने लिख दिया लिथियम ध्यान से देखना वन एस टू देखो थ्री इलेक्ट्रॉन है ना वन एस टू तो वन के अंदर तो ही होता है फुलफिल्ड हो चुका है उसके बाद टू एस वन तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में डला एस में बेटा सो इट इज द ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले आप ब्लॉक का पता लगाएंगे उसके बाद बेटा फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑक्सीजन लिख दिया एट इलेक्ट्रॉन है इसमें एट एटोमिक नंबर है तो वन एस टू देखो वन एस थ्री नहीं हो सकता वन एस टू वन पी नहीं हो सकता क्योंकि पहली शेल में सिर्फ एक ही आपकी सब शेल होती है अभी हमने आपको बताया था इन डिटेल आपके क्वांटम नंबर्स के दौरान आपको बताई जाती है तो वन एस टू उसके बाद क्या आएगा बेटा टू टू के अंदर दो ही सबशेल होती है टू एस और टू पी तो टू एस टू एस में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अभी आपको कंप्लीट समझा दिया गया था और टू पी फोर टू पी फोर बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा किस में डला यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में डला तो सो दैट इज p ब्लॉक एलिमेंट इसे आप पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्लियर हो गया यहां तक तो मीन्स हम ये बता रहे हैं कि सबसे पहले जब भी आप ग्रुप का पता लगाएंगे उससे पहले आप ब्लॉक का जरूर पता लगा लें ब्लॉक का पता लगने के बाद फिर हमें क्या देखना है अब जैसे हमें ये पता चल गया कि लीथियम इट इज ब्लॉक एलिमेंट इट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट क्लियर हो गया अब उसके कुछ रूल्स हैं देखो अब हम वही डिस्कस करते हैं फॉर द एस ब्लॉक एलिमेंट मान लीजिए कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है जैसे हमने पता लगा लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्गिशन लिख के लिथियम इज द एस ब्लॉक एलिमेंट उसके बाद हम क्या करेंगे इसके लिए बेसिक रूल है क्या देखें ग्रुप का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे जस्ट सी द ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल कौन हो गई बेटा ये हो गई टू एस वन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बेटा देर आर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं यहाँ पे वन सो दैट इज द ग्रुप वन एलिमेंट आपको सबसे पहले आपने ये पता लगाया कि इट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट लिख के फिर ये देखा कि इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, है तो इलेक्ट्रॉन है सो इट इज द ग्रुप वन एलिमेंट इट इज द ग्रुप वन एलिमेंट क्लियर हो गया यहाँ तक अब जैसे यहाँ पे हमने ये कॉन्विनेशन देखो डायग्राम आपके सामने नीचे बना दिया है जो सारी चीजें अभी यहाँ पे हमने ड्रा की थी तो जिसमें आपने क्या देखा हमने कॉन्विगेशन यहाँ पे लिखी थी लिथियम के बारे में बेटा ये जितने भी डायग्राम आपने बनाए हैं इनको आप क्लियर कर दें अब हम इनको रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे आपको जो आपने ड्रा कर रखी हैं आपके लिए तो उसके बेसिस के ऊपर आप इनके तो अब इसके बाद बेटा आपको बताएंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा तो इतना आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपको ब्लॉक का ही पता लगाना होता है वेदर द एलिमेंट इज ऑफ एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और द एफ ब्लॉक आफ्टर दैट यू विल डिटरमाइन अबाउट देयर ग्रुप फॉर एग्जाम्पल देखो ये डायग्राम हमने दोबारा से आपके लिए बनाया देखो पिक्टोरियल बीच में तो बेटा क्या है दीज आर दी न्यूक्स दट इज द न्यूक्लियस ऑफ द लिथियम देखो यहाँ पे एल आई है ये लिथियम और बाहर देखो थ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपको दिख रही है यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दीज आर दी थ्री इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सर्कल में फर्स्ट सर्कल में देखें आप दे आर दी टू इलेक्ट्रॉन दैट इज दस टू देखो ये वन एस टू है उसके बाद नेक्स्ट में देखें वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग तो वो किसके अंदर है दैट इज इन दूस देखो यहाँ पे टू यह एस है यहाँ पे वन यह एस था वन एस की पावर टू ये पावर वन क्योंकि लिथियम है P आपका है आपका वैकेंट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं क्योंकि एटोमिक नंबर ही लिथियम का थ्री है थ्री का मतलब थ्री इलेक्ट्रॉन ही फिलअप कर रहे हैं कई बार स्टूडेंट जब इनिशियली सीखते हैं कॉन्वर्जेशन को वो इसमें पजल हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स ही लिख देते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विगेशन लिथियम की लिख रहे हैं क्योंकि जो लिथियम है तो उसका एटॉमिक नंबर तो थ्री है तो पहले आप इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करें कि हमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कितने करने हैं वो इस बात को याद रख लेते हैं किस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम वो मैक्सिमम होते हैं पी के अंदर क्योंकि थ्री ऑर्बिटल्स हैं तो देखो बेटा मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन टू टू फोर टू सिक्स देखो ऐसे छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो ये पूरे भर देते हैं लेकिन बेटा हमें पूरे नहीं भरने हमें किसी भी जो एलिमेंट होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिगेशन देखनी होती है उसका एटॉमिक नंबर देखना होता है लिथियम का एटोमिक नंबर थ्री है थ्री मीन्स इसके पास थ्री ही इलेक्ट्रॉन है हमें सिर्फ थ्री इलेक्ट्रॉन ही फिलअप करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिगेशन के दौरान तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें जैसे हमने यहाँ पे लिखा वन तो टू इलेक्ट्रॉन आ गए 2S1, तो है 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 तो तो कर दिए आपका रहेगा में पूछ कि के लिथियम के अंदर 2P, के अंदर क्या कोई होता होता या या नहीं या वो होता है। तो इस टाइप से देखो कोई भी बात अपने आप में क्वेश्चन हो सकती है आप किसी भी क्वेश्चन को छोटा ना माने ये चीज आप जरूर ध्यान रखें तो टू इज वैकेंट लिथियम क्लियर हो गया तो अब आप ये देखें जो हमारा ग्रुप के बारे में जो हम पता लगाते हैं कैसे पता लगाएंगे? के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? अभी तो देखे ना 1 is 2, S1, 1 है, लगा एलिमेंट सो इट इज द ग्रुप वन एलिमेंट क्लियर हो गया अब हम देखो पी ब्लॉक के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखेंगे तो एस ब्लॉक का तो आप समझ गए किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप का पता लगाना हो तो सिर्फ पहले ब्लॉक का पता लगाया कि इट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट फिर congregation देखी congregation में में इलेक्ट्रॉन देखे तो वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन वन है तो ग्रुप वन एलिमेंट वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन टू है तो दैट इज द ग्रुप टू एलिमेंट फॉर एक्जाम्पल मान लीजिए मैं बेरिलियम की लिख के दिखा देता हूँ आपको पहले पी ब्लॉक की तरफ चले उससे पहले देखो वन उसके बाद फोर है ना टॉमिक नंबर तो टू टू

तो सो इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट तो ऑक्सीजन बेटा क्या आ गया इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट अब पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए रूल क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए रूल है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप का कैसे पता लगाएं इट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल शेल कौन सी बेटा यहां पे ध्यान रखें देखो ये शेल होती है बिल्कुल बाहर वाली देखो ये दैट इज द सेकंड शेल एंड दैट इज द फर्स्ट शेल देखो ये वन एस टू जिसमें वन लिखा है ये शेल का नंबर है बेटा इसमें भी ये टू और ये जो टू लिख रखा है दैट इज शेल नंबर दैट इज अनेकल टू टू और ये एनिजिकल टू वन तो दो ही तो शेल है एक अंदर वाली एक बाहर वाली बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं तो वैलेंस शेल का नंबर क्या है वैलेंस शेल का नंबर बेटा टू है वैलेंस शेल का नंबर क्या है टू सो दैट इज द होल वैलेंस शेल वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए वैलेंस शेल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जो आपको ऊपर डायग्राम में भी दिख रहे हैं दीज आर एलिमेंट है, तो so तो तो है, है तो स्टेप से आप ध्यान रखेंगे कई बार बच्चे देखो यहाँ पे जो गलती करते हैं वो और आपको बता देते हैं हम बात कर रहे हैं लगातार यहाँ पे फिर से देखो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं बात हमने ये की शेल

थ्री फोर सो दैट इज द शेल न्यूक्लियस के बाहर देखो ये फर्स्ट शेल उसके बाद ये सेकंड शेल फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ शेल दैट इज कॉल्ड एज द शेल शेल के अंदर सब शेल होती हैं जैसे वन के अंदर सिर्फ एस होती है टू के अंदर बताया था दो सब शेल होती है एस और पी थ्री के अंदर देखो थ्री होती है आपको बताया था एस पी एंड द डी सो दीज आर कॉल्ड एज द सब शेल एस पी डी एफ आपकी सब शेल होती है हमारे जब पी ब्लॉक का पता चल गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ने बेटा क्या देखा किस में डला तो वो पी के अंदर डला तो उससे पता चल गया था इट इज ब्लॉक एलिमेंट तो ये पता लगने के बाद अब सिर्फ आप शेल देखें अब सिर्फ आप क्या देखेंगे नाउ यू हैव टू सी द शेल शेल कौन सी है आपकी शेल इसमें दो ही है एक पहली शेल देखो वन एस वन एक सेकेंड शेल टू एस अगली भी टू ही है सो so इस पूरी को कहते हैं शेल दैट इज द शेल और ये 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 थी शेल, फर्स्ट शेल, 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 शेल फर्स्ट फर्स्ट है है सेकंड शेल, ये है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल में क्या है सेकंड शेल में सब शेल टू 2p इज द सब शेल, दब इज प्रेजेंट इन द सेकंड शेल सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस पूरी के अंदर There are आर electrons, इलेक्ट्रॉन are आर six इलेक्ट्रॉन्स यही हमें देखने हैं आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट

चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं आगे देखो फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट कोई भी एलिमेंट अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो हम क्या करें उसके लिए आपको क्या करना है आपको यह देखना है कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं किसके अंदर उसकी शेल के अंदर प्लस द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं करने हमें इन द पेनल्टीमेट डी सबशेल देखो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि देखो जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के बाहर देखो डिफरेंट शेल्स होती हैं आउट ऑफ दिस डिफरेंट शेल द लास्ट वन इज कॉल्ड एज द वैलेंस शेल बेटा इसको वैलेंस शेल कहते हैं द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज अ वैलेंस शेल द शेल जस्ट इनर टू द वैलेंसियल इट इज कॉल्ड एज अ पेनल्टीमेट इसके लिए पेनल्टीमेट वर्ड यूज किया जाता है उसे और जस्ट अंदर के लिए क्या यूज करते हैं दैट इज द एंटी पेनल्टीमेट उसके लिए आप एंटी पेनल्टीमेट बेटा वर्ड यूज करते हैं तो दीज आर दिफरेंट वर्ड जो आपको याद होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल शेल इज इज कॉल्ड एज द द द द जस्ट इनर टू पेनल्टीमेट वन और जस्ट द शेल विच इज प्रेजेंट जस्ट इनर टू देनल्टीमेट पेनल्टीमेट से भी जो जस्ट अंदर वाली है उसे एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं और वेलेंशियल को छोड़ दे और देखो बेटा जो बीच में न्यूक्लियस था ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में देखो जितनी भी ये और शेल है को एक यूज करते हैं, उसे आप 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 कहते कहते हैं हैं शेल शेल उसे आप क्या दैट इज द तो ये कुछ वर्ड इनको जरूर ध्यान रखें वही हमने यहाँ पे देखा डी ब्लॉक एलिमेंट का हमें पता चल गया कि कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है उसके बाद हमने क्या देखना है कि उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस हमें ये देखना है उसकी पेनल्टीमेट डी सब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है तो वो बन जाएगा उसका ग्रुप तो वो उसका क्या बन जाएगा दैट इज द ग्रुप तो बेटा ये चीज आप ध्यान रखेंगे अभी तक आपने एस ब्लॉक का देखा पी ब्लॉक का देखा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट तो जो आपके डिफरेंट डी ब्लॉक एलिमेंट का हम एग्जाम्पल भी लेंगे अभी देखो ध्यान से देखें हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं आप ध्यान से देखो और ये बताना ये किसका एग्जाम्पल है देखो ये वन एस टू फिर ये टू एस टू और ये टू पी सिक्स अभी तक तो टेन इलेक्ट्रॉन हमने भरे दैट इज अनी ओन आगे चलते हैं फर्दर उसके बाद बेटा ये नेक्स्ट क्या आ गया दैट इज दी एस टू ये 3P6, ये 3D10, और ये 4S2, तो ये ये और और तो तो का बन 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 गया गया? गया। बेटा बेटा किसका के बारे में बन गया। लेकिन आप अभी तो यहां से सीख ही नहीं पाए ना? देखो मैंने पूरी कॉन्गेशन आपके सामने एकदम ऐसे बना दी तो क्या आपको पता चला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डला है नो no, आपको पता ही नहीं चला अब हम बताते हैं देखो कैसे ध्यान से देखेंगे आप मान लीजिए मैं कैल्शियम का लिख देता हूं एटोमिक नंबर ट्वेंटी अब बताओ कॉन्गेशन कैसे लिखे आप कहेंगे सर ऐसे लिखिए वन एस टू पहली शेल में तो देखो ऐसे होता है आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो वन एस ही होता है यहाँ पे आप इस डायग्राम से भी समझ पाएंगे कुछ बातें सबसे पहले वन एस में ही भरेंगे देखो वन एस टू हो गया उसके बाद बेटा सेकंड शेल में क्या होता है आपको देखो यहाँ पे दिख भी रहा है एक तो बेटा टू एस होता है और एक क्या होता है बेटा टू पी तो टू एस टू उसके बाद बेटा क्या आएगा टू पी सिक्स तो अब तक कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके टोटल टेन इलेक्ट्रॉन ठीक है उसके बाद क्या आ गया थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री पी सिक्स तो कितने हो गए बेटा एटीन अब क्वेश्चन ये आया कि हमने डायरेक्ट यहाँ पे थ्री डी टेन क्यों नहीं लिख दिया थ्री डी क्यों नहीं लिख दिया हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि 18 हो गया तो हम डायरेक्टली लिख देते थ्री डी टू लिख दो हो गए ट्वेंटी क्योंकि थर्ड शेल के अंदर तो क्या होता है थ्री चीजें होती है ना एस पी एंड दी तो थ्री एस टू थ्री पी सिक्स और थ्री डी टू क्यों नहीं लिख दिया सो दैट इज द क्वेश्चन है तो ये इन इस चीज का जो जवाब दिया था आपके एक प्रिंसिपल था ना जिसे हमने आपको बताया था दैट इज द दहू प्रिंसिपल अब बहु रूल कह सकते हैं आप आप इसे इज़ कॉल्ड एक रूल और था इसके साथ जिसे थ्री डी टू आपके पहले फोर एस में हमने इलेक्ट्रॉन क्यों भरे थ्री डी में क्यों नहीं क्योंकि हमने आपको बताया था बहु प्रिंसिपल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम है तो एनर्जी कम का कैसे पता चले एनर्जी कम का पता लगता है इसकी हेल्प की थी बरी रूल ने एन प्लस एल रूल ने देखो जो एन प्लस एल लिख रखा है तो क्वेश्चन तो और उसके बाद एन प्लस एल हम लिख देते हैं देखो स्टेप से तभी हमें पता चलेगा इस चीज के बारे में कि पहले फोर एस में ही क्यों भरा तो अब देखें एन क्या है देखो थ्री डी में एन की वैल्यू थ्री है 4s में एन की वैल्यू फोर है क्लियर हो गया। उसके बाद अब L कैसे पता क्वांटम नंबर्स तो एल की वैल्यू जीरो होती है पी तो हो तो के लिए एल की वैल्यू वन एल की वैल्यू टू हो तो डी सब शेल के लिए एंड द्री हो तो एफ लिए आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है की थ्री डी थ्री के आगे डी है डी है तो देखो क्या एल की वैल्यू क्या होगी दैट इज टू तो देखो हमने एल के आगे ये टू लिख दिया फोर एस फोर एस में आपको क्या दिख रहा है एस है तो एल की वैल्यू कितनी होती है जीरो तो लिख दिया तो अब आपके बोलो एन प्लस एल क्या थ्री डी के लिए फोर द्री डी थ्री प्लस टू दैट इज इक्वल टू फाइव और यहाँ पे क्या आया वोटो यहाँ पे फोर प्लस जीरो रूल है जिसे बहुत से रूल कहते हैं एन प्लस एल रूल लोअर द एन प्लस एल वैल्यू लोअर विल बी द एनर्जी बोलो सबसे एनर्जी कम किसकी होगी थ्री या फोर की आपको दिख रहा है यहाँ पे जो एन प्लस एल वैल्यू है एन प्लस एल वैल्यू वो फोर एस इज लेस देन बोलो क्या है थ्री तो इसलिए फोर की एनर्जी लेस होगी एनर्जी बेटा क्या होगी इसकी लेस और थ्री की एनर्जी बेटा क्या होगी इसकी ज्यादा होगी क्लियर हो गया सो द रीजन हमने कैल्शियम की जो लिखी तो क्लियर so आपको? आपको इसलिए मैंने सबसे पहले आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फिगरेशन में लिखता उससे पहले मैंने आपको किसकी लिखी कैल्शियम की लिखी क्योंकि कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा 21 वो तो आपका एक एलिमेंट ही होगा अब हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे मतलब तो हम इनको दोबारा नहीं लिख रहे फोर एस टू तक देखो ये लास्ट में था बेटा फोर एस टू ठीक हो गया ना फोर एस टू जो था ना बेटा इसके बाहर जो थ्री डी है वो अभी खाली है उसकी एनर्जी ज्यादा है अभी आपको बताया गया ना देर एनर्जी इज मोर थ्री डी जीरो है अब हमने स्कैंडियम एटॉमिक नंबर ट्वेंटी अब देखो थ्री एस थ्री पी फोर एस भर चुका है उसके बाद अब थ्री डी के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन आएगा तो थ्री डी में अगला इलेक्ट्रॉन आया तो कैसे आएगा जैसे ही थ्री डी में इलेक्ट्रॉन आएगा इलेक्ट्रॉन ऑफ द थ्री डी गेट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज द स्कैंडियम और इसीलिए हम इसकी कॉन्गेशन को ऐसा नहीं लिखेंगे थ्री डी फोर एस टू थ्री डी वन नो ऐसे ही लिखना चाहिए वैसे क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी भरा है कैल्शियम के बाद आया है लेकिन जो थ्री डी की एनर्जी है नाउ इट बिकम लेस देन द दस इलेक्ट्रॉन जब तक इसमें नहीं थे देखो थ्री डी में थ्री डी जीरो जैसे ही थ्री डी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इट गेट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस देखो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड हो जाएगा अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी रिलीज अट्रैक्शन से तो एनर्जी रिलीज होती है तो इसलिए इसकी एनर्जी थोड़ी सी देखो कम हो जाएगी तो कॉन्गेशन आप कैसे लिखते हैं नाउ द थ्री डी वन एन द फोरेस टू देखो फोर एस टू तक तो कॉन्गेशन किसकी थी कैल्शियम कैल्सियम के नंबर ट्वेंटी एक इलेक्ट्रॉन और ही तो इंक्रीज करना है क्योंकि स्कैंडियम है तो आए 3D1, 3D1 के के बाद 4S2 के बाद या थोड़ा अंदर बाद ही आना चाहिए थोड़ा अंदर क्यों आ गया क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन डलते ही इट गेट स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्ट्रेक्टिव द न्यूक्लियस क्योंकि पहले पहली शेल है देखो है ना देखो पहली शेल देखो मान लो मैं लिखविदू वन एस टू उसके बाद देखो सेकंड शेल टू एस टू और बेटा क्या टू पी सिक्स क्लियर हो गया उसके बाद बेटा क्या है थ्री एस थ्री पी सिक्स और फिर ये देखो थ्री डी वन अब यहां से आपको पता चल रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये लिख दिया हमने 1, 4S2. लेकिन ध्यान से लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा किस में में डला है 3D में. क्योंकि पार्शली फिल्ड आपको दिख रहा है कैसे दिख रहा है बेटा पार्शली फिल्ड सो दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट इन द स्कैंडियम द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी सो इट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट तो बेटा स्कैंडियम तो कैसा हो गया इट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट

तो उसके बाद ही हम ग्रुप का पता लगाते हैं और ग्रुप का पता लगाने के रूल्स अलग अलग हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए अलग रूल है तो एस ब्लॉक के लिए तो सिर्फ क्या देखना था द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल पी ब्लॉक के लिए क्या रूल था नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल प्लस में टेन करना होता है डी ब्लॉक के लिए रूल क्या है द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल प्लस जो पेनल्टीमेट डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उनको सम आपको करना होता है तो देर आर द डिफरेंट रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्रुप ग्रुप का पता लगाने के लिए अलग अलग ये रूल्स हैं आपके तो पहले आप ब्लॉक का पता लगाएं ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही हम ग्रुप का पता लगा लें उसके बाद बेटा अब आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन है एनसीआर -E की बुक के अंदर से हैं कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्गेशन ऑफ द एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड द एफ ब्लॉक एलिमेंट द्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट टू नाइन तो देखो एस ब्लॉक की कॉन्गेशन बेटा क्या होती है एन एस वन टू टू वेयर एन इज इक्वल टू 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 सेवन एन की वैल्यू टू सेवन तक होती है क्लियर हो गया आपका तो देखो हमने ये टू टू सेवन क्यों लिखा अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि एन की वैल्यू सर टू टू सेवन क्यों लिखी आप ध्यान से देखेंगे आप मेरी बात सुने आप आप ये कहेंगे कि सर आपने जो ये नीचे बताया था ना देखो नीचे देखो हमने टेबल बना रखी कि यहाँ पे देखो यहाँ पीरियड नंबर वन में हाइड्रोजन आना चाहिए इधर आपका क्या आना चाहिए देखो हीलियम एटोमिक नंबर टू आना चाहिए देखो इस टेप से क्योंकि ये इधर तो आपका एस ब्लॉक है देखो दैट इज द एस ब्लॉक देखो ये आपका एस ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर वन और टू जिसमें आ जाते हैं उसके बाद थर्टीन से एटीन तक जो होते हैं दैट इज अ पी ब्लॉक देखो ये आपका पी ब्लॉक होता है यहाँ पे और बीच में ग्रुप नंबर थ्री से लेकर ट्वेल्थ तक आते हैं दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट और जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप नंबर थ्री और थ्री से निकाल के बॉटम के अंदर रखे गए तो वो आपका एफ ब्लॉक बन जाता है बेटा इस टाइप से क्लियर हो गया यहाँ तक की बातें तो के जो एस ब्लॉक होता है उसमें दो ही ग्रुप होते हैं ग्रुप वन और टू पी ब्लॉक में ग्रुप थर्टीन से एटीन तक आते हैं डी ब्लॉक के अंदर थ्री से ट्वेल्थ तक आते हैं और जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट थे टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द पीरियोडिक टेबल आपके ग्रुप नंबर थ्री से आपके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे एफ ब्लॉक के वो सारे के सारे विच आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट इज द एफ ब्लॉक कोई आपसे पूछे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट पे होते हैं कौन से ग्रुप के हैं तो आप ग्रुप नंबर थ्री विल बी द आंसर ये आप लिखेंगे क्लियर हो गया यहाँ तक अब क्वेश्चन ये उठा के आपने एनएस वन टू टू लिख दिया ये तो ठीक है ये ठीक क्यों है मान लीजिए हम लिथियम की कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो आप कह देंगे वन एस टू टू एस वन देखो ये वैलेंशियल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एन एस वन हो गया ना ये वन देखो हाइड्रोजन के नीचे देखो यहाँ पे हमने लिथियम हम लिख दिया अगर हम बेरिलियम के बारे में लिखे बेरिलियम एटॉमिक नंबर फोर जो ग्रुप टू में है देखो बेरिलियम के बारे में तो वहां पे बेटा आ जाता है वन एस टू टू एस टू देखो टू आ गया तो इसलिए तो ये तो बिल्कुल ठीक है इतना एनएस वन टू टू लेकिन यहाँ पे जो ये एन है ना ये एन एन की वैल्यू यहाँ पे एन इज इक्वल टू 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 सेवन क्यों लिखी एन की वैल्यू वैल्यून क्यों नहीं लिखी वो इसलिए नहीं लिखी हाइड्रोजन भी तो एलिमेंट है है देखो 1S1, 1S1 है ना तो एन की वैल्यू पे 1 है तो ये क्यों नहीं लिखा बिकॉज हाइड्रोजन इज द रघु एलिमेंट इट इज जस्ट प्लेस एट द द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल इट इज नॉट द एस ब्लॉक एलिमेंट इट इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हीलियम हीलियम की कॉन्गेशन जब आप लिखते हैं वन एस टू देखो इसमें भी तो ये एस ब्लॉक दिखता लेकिन ये ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ग्रुप नंबर टेबल इसीलिए आप ध्यान रखें एन की वैल्यू आप क्या लिखेंगे वन नहीं लिखेंगे 227 ही आप लिखते हैं। तो ये एक एनामली थी जो कई बार हमारे दिमाग के अंदर आ जाती है तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे सो दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ द आपकी एस ब्लॉक ब्लॉक की जनरल दो okay, होते हैं ना आपके ग्रुप या तो वन होता है यान की पूछते तो आप क्या लिखते एनएस वन ग्रुप टू की पूछते तो आप क्या लिखते हैं एनएस टू और कॉमन पूछ लिया एस ब्लॉक की तो क्या बन गई एन एस वन टू टू तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे क्लियर हो गया चलो इसके बाद हम चलते हैं पी ब्लॉक के अंदर ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगी ns2 एस टू एन और n की वैल्यू सी टाइप से टू हमने तो एक्सक्लूड कर रखा है हाइड्रोजन और क्योंकि वो हीलियम है क्लियर हो गया यहां तक तो आपके जो सबसे पहला जो एलिमेंट है देखो लिथियम बेरिलियम के बाद बेटा कौन आता है यहां पे ग्रुप 13 में बोरॉन फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन करते हैं ना आप पैसे तो यहां पे जो आपके बोरॉन है एटॉमिक नंबर देखो 5 है तो इसकी कॉन्गेशन अगर आप लिखें एटॉमिक नंबर फाइव बोर तो बेटा क्या आ जाएगी यहाँ पे देखो ध्यान से देखना 1S2, 2S2, 2P1. तो बेटा क्या बनी अगर इसको हम कहें देखो दैट इज द ऐसे कार्बन की अगर मैं आपके सामने लिख दू तो आप क्या बनेगी बेटा टू एस वन एस टू टू एस टू टू पी टू तो क्या आ गई देखो ये एस टू तो रही वही रहा देखो टू एस टू ये टू एस टू मीन एन एस टू क्लियर हो गया एनपी में चेंज आ रहा है यहाँ पे वन हो गया यहाँ पे टू हो गया एंड सोन ये सिक्स तक चले जाएंगे तो जैसे लास्ट में अगर हम न्योन की लिखे देखो न्योन की तो क्या बन जाएगा देखो ध्यान से वन एस टू देखो टू एस टू और 2p6 तो अब देखो 6 आ गया तो 2p1 से स्टार्ट हुआ 2p2 फिर 2p3 2p4 2p5 2p6 और 2p6 तक आपका आ गया तो इसे हमने लिखा है एनपी टू सिक्स क्लियर हो गया आपके यहां पे तो क्यों हमने ns में तो दो ही लिखा क्योंकि हर एक में चाहे आप ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट लें ग्रुप 13 में जैसे बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कोई भी लें सभी में 2s2 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 टू रहता है मींस ns2 रहता है p के अंदर चेंज होते हैं तो इसलिए हमने लिखा ns2 और एनपी टू सिक्स

ये ग्रुप नंबर आपके थर्टीन के एलिमेंट है ऐसे कार्बन के नीचे आप देखें तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन एंड द लेड देखो ऐसे जो जो भी एलिमेंट है आपके नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सनिक एंटीमनी एंड द बिस्मिन देखो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टेल्यूरियम एंड द पोलोनियम फ्लोरिन क्लोरीन ब्रोमिन आयोडीन एंड द एस्टेटाइन द रेडोन देखो जो डिफरेंट एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर थर्टीन के किसी भी एलिमेंट की कॉन्गिशन लिखे जैसे बोरोन की अगर हम यहाँ पे लिख दें तो क्या लिखेंगे आप आप ऐसे ही लिखेंगे ना कि वन एस टू टू एस टू एंड टू पी वन टू पी वन अगर आपको अल्यूमिनियम की बेटा लिखनी पड़ जाए ना तो ध्यान रखना सिर्फ वैलेंस शेल का नंबर इंक्रीज कर दें देख तो तो ऐसे कर दें तो थ्री एस टू थ्री पी वन अगर बोरोन एल्यूमियम गैलियम है बेटा आपके इसके बाद थर्टी वन तो आप क्या करेंगे आप एक नंबर बढ़ा दें बस फोर एस टू फोर पी वन देखो स्टेप से ये एक बेसिक वे है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन के लिखने का सिर्फ shell, अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट है आपके जो डिफरेंट एलिमेंट है ना हमने आपको बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉनिकेशन इसकी वैलेंशियल में देखिए क्या है थ्री इलेक्ट्रॉन है टू एस टू टू पी वन थ्री इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में क्या है थ्री एस टू थ्री पी वन सेम इलेक्ट्रॉनिकेशन थ्री इलेक्ट्रॉन देखो थ्री इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव द सेम प्रॉपर्टी मीन्स उनकी ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेंगी उनकी वो एक अलग बात की कोई केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा दिखा देगा कोई कम लेकिन

एन एस टू एन पी वन सिमिलरली आप जनरल इलेक्ट्रॉन की भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन तो ये हमने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए तो जैसे पूछा जाए वैसे ही आप उस चीज का जवाब दे देंगे सो दैट इज अबाउट द आपके पी ब्लॉक नेक्स्ट डी ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्गेशन आपकी क्या है एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस जीरो वैल्यू क्या होगी इसकी फोर टू सेवन फोर टू सेवन तक होगी क्योंकि डी ब्लॉक जो स्टार्ट होते हैं बेटा वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हाइड्रोजन लिथियम के नीचे बेटा क्या था सोडियम यहाँ पे पोटेशियम बेरिलियम मैग्नीशियम देखो ये कैल्शियम था एटोमिक नंबर ट्वेंटी लिख के दिखाया था उसके बाद ही तो स्कैंडियम आता है ट्वेंटी वन और यहाँ तक चलता है दैट इज द जिंक दैट इज द एटोमिक नंबर थर्टी जिंक क्लियर हो गया यहाँ पे उसके बाद जिंक के नीचे बेटा आप देखते ना तो जिंक कैडमियम मरकरी देखो ऐसे यहाँ पे स्कैंडियम देखो टाइटेनियम वेनेडियम देखो ये क्रोमियम आ गया बेटा यहाँ पे क्रोमियम तो जो चीज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं देखो एन माइनस वन डी वन टू टेन ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी के डी के अंदर वन इलेक्ट्रॉन होगा किसी के डी में टू इलेक्ट्रॉन होंगे किसी के डी में थ्री होंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्फिग्रेशन लेकिन एन एस में जो हमने लिखा है ना बेटा एन एस में किसी में जीरो हो सकते हैं किसी में वन भी हो सकता है और मोस्टली के अंदर एन एस टू ही होगा दीज आर एक्सेप्शनल केसेज वो एक्सेप्शन केसेज पे है एक तो ग्रुप नंबर में ग्रुप नंबर के अंदर कौन है देखो ये यहाँ पे देखो ये जो क्रोमियम आ गया इसकी कॉन्गेशन होती है थ्री डी आप लिख के देखेंगे तो क्या आती है थ्री डी देखो लिख के दिखा देते हैं आपको यहाँ पे देखो क्रोमियम एटोमिक नंबर 24 फोर अभी लिखा था ना मैंने ऊपर भी देखो ऐसे न एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फिर हमने देखो ऐसे किया था कि थ्री डी में कितने भरे तो हम क्या कहा था हमने आप इसको ऐसे लिखेंगे सबसे पहले आप कैल्शियम की जैसे आपने सीखी थी देखो फोर एस टू हो गया ना ट्वेंटी हो गया था उसके बाद ट्वेंटी के बाद फोर और भरने तो हम ऐसे लिखते थे थ्री डी फोर फिर हमने बताया था थ्री डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आते ही दीज इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टूवर्ड द न्यूक्लियस और इसीलिए जो कॉन्फिग्रेशन है इनकी इंटरचेंज हो जाती है थ्री अंदर आ जाएगा फोर देखो ऐसे बाहर चला जाता है क्लियर हो गया तो कॉन्गेशन बेटा क्या बन जाएगी दैट दी डी फोर और द और अंदर की कॉन्गेशन देखो बिल्कुल सेम डैश 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 तक ये क्रोमियम के बारे में हम लिख रहे हैं यहाँ पे उसके बाद आपने पढ़ा है कि डी सबशेल जो आपका होता है इसके अंदर फाइव ऑर्बिटल्स देखो इस टाइप से ये डी के बारे में फाइव ऑर्बिटल्स होते थ्री डी लेकिन देखो वन टू थ्री एंड द है दस के अंदर देखो आपके पास क्या होते हैं एक इलेक्ट्रॉन हम बैकशिफ्ट करवा देंगे होगी तो so right 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 हो कौन सी राइट right कॉन्गेशन देखो अब हम लिखते हैं इसके जस्ट बिलो यहाँ पे आप ध्यान देंगे बिल्कुल इसके नीचे लिखेंगे हम राइट right कॉन्फिगरेशन देखो पहले इनको थोड़ा क्लियर कर दें जितने भी हमने फिलअप किए थे ना बेटा इन सारी चीजों को एक बार हम क्लियर कर देते हैं यहां से ताकि जो हम लिखें वही चीज आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे और चीजों की तरफ आपका ध्यान ना जाए क्लियर हो गया बेटा तक देखो ये चीज हमने लिख दी यहाँ पे और सारी चीजें हमने हटा दी देखो तो पहले जो लिखी थी फोर एस टू थ्री डी फोर वो भी रॉन्ग क्योंकि थ्री डी के इलेक्ट्रॉन अंदर अट्रैक्टेड हो जाएंगे तो हमने सोचा यही ठीक हो जाए थ्री डी फोर फोर एस टू अब ये भी रॉन्ग अब क्या करें अब फोरेस का एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा देखो इसके अंदर किस लिए क्योंकि D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाते ही साथ देखो D डी आपकी हाफ फिल्ड हो गई देखो वन टू थ्री फोर एंड द थ्री डी है बेटा 3D हो गया और फोर एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह गया देखो फोर एस वन ड्यू टू द हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द क्रोमियम इज बेटा कितनी आ गई दैट इज दी डी फाइव फोर एस वन आगे ना थ्री डी फाइव फोर एस वन एस में वन आ गया बेटा इलेक्ट्रॉन तो जो हम यहाँ पे बता रहे थे ना अभी आपको एन एस

फिर क्या आएगा बेटा इसके बाद कोबाल्ट उसके बाद निकिल फिर कॉपर फिर देखो जिंक आता है निकिल जिसका एटोमिक नंबर बेटा ट्वेंटी एट है निकिल अब उसके अंदर अगर हम कॉन्क्शन देखें तो वन का मतलब तो आप समझ गए ग्रुप नंबर के अंदर था इसके बाद अब हम आपको बताते हैं अबाउट द निकिल के केस के बारे में तो जब निकिल के कॉन्क्शन जब हम लिखते हैं तो सिर्फ ये एक्सेप्शनल केस इसी में पाया गया है देखो अभी बताते हैं इसके बारे में देखो निकिल जिसकी एटॉमिक नंबर बेटा कितना है 28 अगर इसी टाइप से कॉन्गेशन लिखे देखो वही तो 1s2 2s2 2p6 हम डायरेक्ट लिख देंगे आपकी बार 3s2 3p6 और फिर देखो फोरेस्ट टू ये 20 आ गया और फिर क्या आना चाहिए बेटा थ्री डी फिर हमने बताया था ना कि आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे 3d इलेक्ट्रॉन गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुअर्ड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ दैट रीजन द कॉन्फिगरेशन बिकम्स द 3d8 एंड द 4s2 और तो ये पेनल्टीमेट पोजिशन पे आ जाता है इसलिए तो हम डेफिनेशन में भी लिखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की द इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पेनल्टीमेट डी सबशेल अगर ये बाहर ही रहता थ्री डी तो क्या आप इसको वैलेंस कहते हैं पेनल्टीमेट तो नहीं कह पाते सो टू क्लैरिफाई द डेफिनेशन उस बात को भी ध्यान रखे तो थ्री डी की पोजिशन यही है और ये अट्रैक्टेड हो जाता है न्यूक्लियस की तरफ क्योंकि थ्री डी अपने साथियों के साथ आएगा यहाँ पे थ्री एस थ्री पी थर्ड शेल के पास ही दोबारा पहुंच गया इलेक्ट्रॉन एंटर करने के बाद तो एस थ्री पी थ्री डी आपके थर्ड शेल के आपके पार्ट है ये उसके बाद हमने क्या देखा निकिल में तो बेटा ठीक है निकिल के नीचे बेटा नेक्स्ट एलिमेंट होता है पेलेडियम जिसका एटोमिक नंबर होता है फोर्टी सिक्स ट्वेंटी एट प्लस एटीन जो मैजिक नंबर के बेस पे याद करते हैं पेलेडियम इसकी कॉन्केशन अगर कोई आपको कहे तो देखो बड़ा आसान तरीका है देखो निकिल के नीचे प्लेडियम होता है बेटा देखो ग्रुप नंबर टेन में देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर टेन में पे निकिल के नीचे प्लेडियम है एटोमिकंबर फोर्टी सिक्स तो निकिल की कॉन्गेशन अगर आपको लिखनी आगे एक नंबर बढ़ा दें बस देखो क्या बन जाएगा एट और एस टू। लेकिन ये निकिल के केस में एक्सेप्शनल केस है सॉरी के केस में एक्सेप्शनलिटी के के आ जाती है स्टेबिलिटी के लिए आपके जो दो इलेक्ट्रॉन है 5s2 के ये बैक शिफ्ट कर जाते हैं और देखो क्या हो जाएगा 4d10 और 5s0 डी सब नाउ द फुलफिल्ड ये फुलफिल्ड हो गई है तो जो अभी हमने कहा था ना एन एस जीरो इन एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है ये एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे जिसमें एन एस जीरो आता है तो मैं ये ग्रुप नंबर टेन के अंदर ये पाया गया कोई आपसे पूछे किस ग्रुप के अंदर ये मिला ग्रुप नंबर टेन में एनएस वन किसमें मिला डी ब्लॉक के बारे में

और बेसिक एनएस टू इसीलिए तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं इनकी वैलेंस बैलेंशियल में मोस्ट ऑफ दी एलिमेंट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे Two. हमेशा जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो सकते हैं वो कौन से होंगे जो न्यूक्लियस से दूर तो न्यूक्लियस से दूर कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर वाले बाहर वाले कौन से इलेक्ट्रॉन ये यू वाले तो इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन ये आराम से लॉस कर सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट वाले इसलिए इनकी कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट मीन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कितना चार्ज दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद प्लस टू चार्ज तो इसलिए इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होती है क्या होती है प्लस टू सो दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द कौन सी आपकी डी ब्लॉक तो ये हमने एलिमेंट्स के बारे में देखा इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के बारे में देखा तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट टू नाइन अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी साथ के साथ हम देख लेते हैं देखो ये हम क्लियर कर दें एक बार यहां से अब हम देखेंगे अबाउट द the... एफ ब्लॉक एलिमेंट हमने बता दिया था अभी आपको कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप थ्री एलिमेंट ग्रुप नंबर थ्री के अंदर से ही ये डिराइव हुए हैं वहीं से निकले हैं और दे आर प्लेस जस्ट एट द बॉटम ऑफ द टेबल तो एफ एफ ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्गेशन है बेटा आपकी N, देखो आप लिखते ऐसे रिवर्स में देखो एन एस टू फिर एन माइनस वन डी में जीरो से वन होगा देखो ये ध्यान रखे किस कभी जीरो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्गे ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट एन की वैल्यू होगी और ब्लॉक में जैसे वैल्यू थी 4 to 7, क्योंकि आपने देखा था ना 21, वो कौन से पीरियड में आया था That is the first, fourth के अंदर तो फोर्थ पीरियड से ही स्टार्ट होता आपका डी ब्लॉक से स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है एस जे ही जो एफ ब्लॉक होता है वो सिक्स पीरियड से यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है और देखो कैसे था थोड़ा देखो बेसिक्स आपको आइडिया दे दे यहाँ पे ताकि आपको रिमेमोराइज हो जाए चीजें हम यहाँ पे बेटा देखो लिखते थे हाइड्रोजन ये लिथियम सोडियम देखो ऐसे पोटाशियम रूबीडियम सीजियम ये लास्ट में बेटा फ्रेंचियम आता है रेडियो एक्टिव है वो तो उसके बाद बेटा बेरिलियम फिर मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम बेटा एटॉमिक नंबर 56 है इसके बाद नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आता है लेनम

तो 58 से 71 तो वो ग्रुप थ्री के ही एलिमेंट कहलाते हैं लेकिन दे आर जस्ट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऐसे ही नेक्स्ट बेरियम के नीचे बेटा कौन होता है रेडियम और यहां पे अगला एलिमेंट आता actinium, जिसका है बेटा एक्टिनियम 89 जिस का एटॉमिक नंबर है बेटा उसी टाइप से देखो एक्टिनियम है यहां पे एक्टिनियम के बाद डायरेक्ट जो एलिमेंट आता है ना बेटा

14 एलिमेंट है एक रो के अंदर 14 रो के अंदर है टोटल 28 एलिमेंट्स इनकी होगी एन माइनस वन डी जीरो अगर आप फोर एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे क्योंकि एफ पहली बार फोर में ही आता है ना मान लीजिए आप भूल जाए तो आप कैसे याद करेंगे देखो आपको बताया था ना देखो ऐसे आपको याद होगा न्यूक्लियस के बाहर शेल देखो ऐसे शेल पहली शेल में बेटा सिर्फ क्या बताया था आपको सिर्फ एस होता है सेकेंड शेल में बेटा क्या होता है एस और पी होता है थर्ड शेल में बेटा क्या होता है थ्री चीजें होती हैं थ्री सब शेल कौन कौन सी एस पी एंड डी जो फोर्थ शेल होती है बेटा उसी में क्या आता है दैट इज द एस पी डी एंड द एफ एफ पहली बार किस में आया फोर्थ शेल के अंदर आता है तो मीन एन की वैल्यू फोर फोर एफ ही हो सकता है क्या कभी थ्री एफ होता है नो no. क्योंकि थ्री के अंदर तो एफ होता ही नहीं तो इसलिए तो हमने यहाँ पे लिखा है देखो ये एन माइनस टू एफ जो लिखा है जो लोएस्ट वैल्यू जो एन की होगी दैट मस्ट बी सिक्स देखो सिक्स होगी तभी तो सिक्स माइनस टू इजिकल टू बेटा क्या बनेगा फोर तो इसलिए तो एन इजिकल टू बेटा हमने क्या लिखा है देखो यहाँ पे हमने लिखा था सिक्स तो कई बार आप मान लीजिए भूल जाए वाई द वैल्यू ऑफ एन इजिकल टू सिक्स तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं Means, किसी भी चीज को रिमेमोराइज करने के वेज डिफरेंट हो सकते हैं इसलिए आप बेसिक तरीके से उनको याद करते रहें उससे आपकी पजलिंग नहीं होगी आप उन चीजों को बड़ी आराम से याद कर पाएंगे तो इन बेसिक तरीके से आपने देखा कि एन की वैल्यू बेटा क्या हो गई या तो सिक्स सिक्स है तो देखो फोर आ गया था फोर एफ पहली रोब आ गई सेवन है तो फाइव एफ वाले एलिमेंट आ जाएंगे जिन्हें एक्टिनाइड्स आप कहते हैं तो इस स्टेप से आप इन चीजों को क्लेरिफाई कर सकते हैं सो दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दी एफ ब्लॉक एलिमेंट इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम नंबर्स जो तो हमने पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट के अंदर तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम नंबर्स जस्टिफाई दैट क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि द सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल

नंबर क्या है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही पीरियड की इंफॉर्मेशन देता है उसके बाद जैसे ही हम पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं किसी भी पीरियड को हम देखते हैं तो क्या है ईच पीरियड बिगेन्स विद फिलिंग ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द फिलीलिंग ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे फर्स्ट पीरियड को देखिए हाइड्रोजनियम एस टू तो वन है ना वहां पे फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू वहां पे वन है उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एन के बाद बेटा जो आपके सेकेंड क्वांटम नंबर आता है एजिबोथल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एल से आप रिप्रेजेंट करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है जीरो टू एन माइनस वन जीरो टू एन माइनस वन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई सिक्स पीरियड एलिमेंट है तो वैल्यू ऑफ एन बेटा क्या होगी एल N N की, तो की जो वैल्यू होगी उसका rule क्या था? एन माइनस वन तो भी जीरो तो है ही और एन एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे सिक्स पुट करें तो सिक्स माइनस वन बेटा क्या हो जाएगा five. जीरो से फाइव तक मीन वैल्यू क्या क्या बन गई आपकी यहाँ पे जीरो एंड बेटा क्या आएगा हाँ पे देखो इस से 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 क्लियर हो गया 0 से लेके N -1, 0 से लेके N -1. अगर N की वैल्यू आ उसके बाद बहु प्रिंसिपल ने क्या कहा था अकॉर्डिंग टू द बहु प्रिंसिपल आर ऑलवेज फिल्ड डिफरेंट शेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज तो अगर उस बेसिस पे हम देखें तो आप ये देख पाएंगे कि जो तो एनर्जी होती है देखो थ्री डी सबसे फोर एस सबसे सॉरी सेवन एस से भी ज्यादा होती है किसकी एनर्जी सिक्स डी की एनर्जी, एनर्जी उससे भी ज्यादा होती है उससे भी ज्यादा होती है कैसे पता चला अभी आपको बताया था ना एन प्लस एल रूल होता है देखो एन ये एल और ये एन प्लस एल तो यहां पे अगर हम लिख दें देखो सिक्स डी यहां पे हम लिख दें सेवन एस तो यहाँ पे एन की वैल्यू सिक्स है यहाँ पे क्या है बेटा सेवन क्लियर हो गया फिर हमने बताया था एल की वैल्यू के बारे में के जीरो वन टू थ्री हम लिखते हैं जीरो एस के लिए होता है पी डी और एफ सबशेल के लिए तो सिक्स डी में डी है तो एल की वैल्यू यहाँ पे टू पुट कर दें यहाँ पे जीरो पुट कर दें सिक्स प्लस टू बेटा ये एट आ गया यहाँ पे सेवन प्लस जीरो यहाँ पे सेवन आ गया तो हमने पढ़ा था बोर्सबरी रूल एन प्लस एल रूल में लोअर द एन प्लस एल वैल्यू लोअर वैल्यू द एनर्जी लोअर वैल्यू किसकी है सेवन के केस में एन प्लस वैल्यू सेवन है सिक्स में एट आ गई

उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे तो कॉन्फिगेशन हमारी क्या बन जाएगी देखो तो इस बेसिस के ऊपर क्योंकि कॉन्गेशन बेटा ये होती है हमारी एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी और एन एस एन पी सो दैट इज द रूल ऑफ द कॉन्फिग्रेशन फॉर राइटिंग द कॉन्फिग्रेशन तो इस्टेप से आप कॉन्फिगेशन हमेशा ही लिखते हैं और जो सिक्स एस है उसके बारे में हम जानते हैं द ओनली वन ऑर्बिटल डी के अंदर हैं ऑर्बिटल्स होते है, D के अंदर फाइव और P के अंदर आपके थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं आप जानते हैं इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे देखो आपके टोटल हो जाएंगे कितने है? देखो सिक्स एस देखो वन ऑर्बिटल एफ में सेवन इसमें फाइव इसमें थ्री टोटल सिक्सटीन ऑर्बिटल्स हो गए और सिक्सटीन ऑर्बिटल्स तो पोलियक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन एन ऑर्बिटल देर कैन बी ए मैक्सिम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने आ जाएंगे थर्टी टू

एस में पी में डी में एफ में तो फिर आपने ब्लॉक का पता लगाया फिर आपने ये पता लगाने के बाद कि और F में है फिर उसके बाद आपने उनके रूल्स अप्लाई किए और फिर हमने उसके ग्रुप का पता लगा लिया सो दैट इज द ट्रेंड पहले पीरियड का पता लगाते हैं फिर ब्लॉक और फिर उसके बाद ग्रुप का पता हम लगा लेते हैं किसी भी एलिमेंट के बारे में एटोमिक तो नंबर का पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्गेशन लिखनी हमें आनी चाहिए फिर आप देखें ये अब बेसिक तरीके से चलते हैं कि जो आपके एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 87 से लेके 114 तक होता है, these are basically been present in the seventh period. और ये हमें कैसे पता चला? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो सबसे पहले बेटा बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक पीरियड बट इट इज फाउंड दैट बाय राइटिंग आफ्टर राइटिंग द दैट एलिमेंट दैट इज नंबर

तो जैसे 113, फिर देखो 13 देखो मान लीजिए यह आप किसी का पता लगा सकते हैं तो वन हंड्रेड फोर्टीन तो ये कहाँ पे आएगा बेटा दैट इज प्रेजेंट इन पीड़ का तो हमें पता ही था तो हमें क्या बताना था एक तो पीरियड और दूसरा ग्रुप तो वेर इट लोकेट्स तो जो जेड इजिकल टू वन

अब ग्रुप के के अंदर देखो देखो पे ये कौन सा एलिमेंट एलिमेंट है 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 वैसे तो डायरेक्ट आपको दिख रहा के नीचे क्लोरीन होता है। लेकिन इन पीरियड हम जानते हैं उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पीरियड स्टार्ट विदिट एलिमेंट एटॉमिक नंबर इलेवन जैसे आपको बताया था यहाँ पे सोडियम होगा इलेवन फिर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर ट्वेल्व होगा यहां पे उसके बाद एंड से ऑन जब आप चलेंगे फिर द एट एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड थर्ड एलिमेंट के अंदर आपके एट है तो उसके बाद 17 में कौन आएगा देखो मैग्नीशियम के बाद बेटा कौन आएगा यहाँ पे 13 एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन कौन आ गया बेटा यहाँ पे क्लोरीन 17 के अंदर तो इसलिए द थर्ड 18 तो पहले वाला क्लोरीन है, उसका जेड एटीन है तो इसलिए जो सेवनटींथ ग्रुप हो गया वो आपका और उसके अंदर एटोमिक नंबर बेटा कितना होगा सेवनटीन तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका जवाब क्या आ गया देट इज द क्लोरीन एलिमेंट है क्लोरिन अगर पूछ भी लेतेरीन होता है

तो आप कैसे पता लगाएंगे देखो ये बेसिक आप कॉन्गेशन इस टाइप से लिखते हैं तो द हैव बोलो कौन होगा एन एस टू एन पी फाइव होगी उसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी बेटा एन एस टू एनपी फाइव मीन एन एस टू एन पी फाइव मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर है पी ब्लॉक हो गया

दो इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर टू एलिमेंट होगा ये तो ग्रुप नंबर टू के अंदर कौन कौन आगे बैरिलियम मैग्शियम कैल्शियम एंड सोल तो वो सारे आपके एलिमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं is, कौन होंगे मैग्नीशियम कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी टू होती है लेकिन इन्होंने सिर्फ कहा है विच कैन लूज ओनली टू इलेक्ट्रॉन दैट देट इज द ग्रुप टू एलिमेंट आपके बेटा सिर्फ कौन होंगे ग्रुप नंबर टू एलिमेंट हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सी पार्ट के अंदर आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन टू इलेक्ट्रॉन तो गेन करेंगे जिसमें दो इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई हो तो वो कौन होंगे दैट इज द एन एस टू एन फोर क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन गेन करते ही साथ अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो इनकी कॉम्बिनेशन बेटा क्या बन जाएगी एन एस टू आफ्टर गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन तो ये कौन है

तो आपके ग्रुप नंबर सेवनटीन है जिसमें आपके मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं लिक्विड भी हैं, सोलिड भी हैं, गैस भी हैं, तो ग्रुप नंबर सेवनटीन के अंदर अगर आप देखें तो आपके कौन कौन से आ जाएंगे बताओ देखो आपके जो फ्लोरीन है ध्यान से देखना बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन बी आर टू आई टू एस्टेटाइन तो ये जो आपके फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन है देखो ये फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन जो ऊपर के तीन एलिमेंट है दीज आर दी नॉन मेटल्स बेटा ये नॉन मेटल है आयोडीन मेटल है आयोडिन इज ए मेटल क्लियर हो गया बेटा तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे या नॉन मेटल है जल्दी बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमिन आयोडिन और उसके बाद एस्टेटाइन है तो एस्टेटाइन रेडियक्टिव एलिमेंट है वो आपके के आ जाएगा। हो गया। उसके बाद आयोडिन इज द सॉलिड एट दफर रूम टेम्परेचर के ऊपर ये चीज आप ध्यान रखेंगे उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन असाइन द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट है आउटर बैलेंशन देखो ये एन एस टू एन पी फोर

ग्रुप नंबर सिक्सटीन हो जाएगा ग्रुप नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा सिक्सटीन क्योंकि सल्फर तो पीरियड है थर्ड तो पीरियड में, तो तो में कौन आ गया बेटा आपका सल्फर आ गया सो देर आर द फोर इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस पी तो कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप बेटा क्या हो जाएगा उसका मैंने अभी बताया था टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्लस में टेन बैलेंशियल के तो टोटल कितना आ गया? 16 तो ग्रुप के अंदर थर्ड पीड में कौन है क्या? हो गया। अब चलते है अगले क्वेश्चन के ऊपर अगले पार्ट के ऊपर पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर टू क्या है कॉन्फ़िगरेशन बेटा एन माइनस वन डी टू एन एस टू और एन इज टू फोर मीन उसी टाइप एलिमेंट देखो इसका पीरियड तो बेटा फोर्थ हो गया लास्ट जो आपको डी दिख रहा है डी टू है देखो यहाँ पे डी टू तो डी टू होने का मतलब क्या है

तो पीरियड नंबर फोर और ग्रुप नंबर फोर दैट इज द टाइटेनियम दैट इज द दौन टाइटेनियम आप बड़ी आराम से देख भी सकते हैं देखो ऐसे ग्रुप नंबर ये ग्रुप नंबर टू फिर ये थ्री फिर फोर यहाँ पे बेटा आपके देखो कैल्शियम आता था एटॉमिक नंबर ट्वेंटी उसके बाद कैल्शियम के बाद क्या आता है बेटा स्कैंडियम ये ट्वेंटी वन फिर क्या आता है बेटा टाइटेनियम स्कैंडियम के बाद क्या आता है टाइटेनियम देखो दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर थ्री में ट्वेंटी वन टाइटेनियम ट्वेंटी टू टाइटेनियम ट्वेंटी टू हो जाएगा फिर हो गया बेटा तो इस स्टेप से हमने फोर्थ ग्रुप का पता लगा लिया उसके बाद नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में आप देखें एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी वन और एन एस टू सो इट इज दिक्स पीरियड एलिमेंट देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है एन की वैल्यू सिक्स दे रखी है, सो इट इज़ पीरियड एलिमेंट सिक्स पीरियड एलिमेंट है तो सिक्स वैल्यू आप अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ऑल आर बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर थ्री ऑफ जितने भी एलिमेंट है, है चाहे फोर एफ ओ चाहे फाइव एफ ओ दीज आर ग्रुप थ्री एलिमेंट दीज आर दी ग्रुप थ्री एलिमेंट्स तो कॉन्फ्रेशन बेटा क्या बन गई जी 4f7 फाइव डी वन और सिक्स एस टू क्योंकि एन की वैल्यू सिक्स दे रखी थी तो हर जगह एन की वैल्यू सिक्स पुट कर दें एन की वैल्यू सिक्स पुट कर दें एन की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर दी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्गेशन बन गई सिक्स माइनस टू इसलिए सिक्स एस टू आपकी कॉन्गेशन यहाँ पे बन गई तो इसलिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा जिनोन एटॉमिक नंबर देखो फिफ्टी फोर है प्लस में 7 प्लस टू प्लस वन टोटल सिक्सटी तो दैट इज द गैडोलिनियम कौन हो जाएगा दैट इज द गैडोलिनियम उसके बाद एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट अबाउट द वैल्यू ऑफ पीरियड हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं बताओ बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है देखो आप ये सभी जानते हैं पीरियड का मतलब हमें शेल के नंबर का पता लगाना है मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हमें पता लगाना होता है सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज द एन

डी ब्लॉक तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं बेटा टेन टू टू फोर टू सिक्स टू एट तो टेन ग्रुप होते हैं आपने पढ़ा भी था ग्रुप नंबर थ्री से लेके ग्रुप नंबर ट्वेल्व तक आता है डी ब्लॉक तो टोटल टेन ग्रुप्स होते हैं टेन कॉलम होते हैं तो डी ब्लॉक एट कॉलम सो द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज लिख रखे नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई बिल्कुल ठीक है कि जितने कॉलम होंगे जैसे आपके डी ब्लॉक है डी ब्लॉक के अंदर आपने देखा डी सब्शियल में टेन इलेक्ट्रॉन आ सकते तो टेन कॉलम एस पी ब्लॉक को देखो पी सबशेल में थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो छह ग्रुप बन गए छह कॉलम बन, बन गए एस ब्लॉक के अंदर आप देखें एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम तो दो कॉलम दो ग्रुप बनेंगे सो दैट इज द राइट स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर डी द ब्लॉक इंडिकेट्स जो ब्लॉक होता है वो हमें किस चीज को कर इंडिकेट करता है इट इंडिकेट्स अबाउट द

वैल्यू ऑफ द एजमिथल कॉन्टर नंबर फॉर द लास्ट सब्शियल हमें लास्ट सबशियल देखनी होती है इलेक्ट्रॉन इन बिल्डिंग अपलेक्ट्रॉनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्गेशन लिखते वक्त आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब्शियल में डाला है उसी से तो हमें पता चलता था ब्लॉक का यही तो हम बताते हैं ना कि सबसे पहले पीरियड का पता लगाए उसके बाद ब्लॉक का पता लगाए के वेदर द एलिमेंट इज ऑफ एस ब्लॉक डी ब्लॉक इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन टू द एस